आप लोग को रचना के आधार पर वाक्य बताऊंगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य अर्थ के आधार पर और वाक्य रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो अब मैं बताऊंगा वाक्य होते क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है। विचारों को पूर्णता और स्पष्टता प्रदान करने के लिए शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। वाक्य जब कई शब्द मिलते हैं उससे उत्पन्न जो विचार होते हैं, उन विचारों को व्याकरणिक दृष्टिकोण से जब हम समझते हैं उसे कहा जाता है वाक्य, यानी शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है। परंतु उसके अर्थ निकलने चाहिए, अटपटे नहीं। उसके अर्थ जब निकलते हैं और उसके व्यवस्थित अर्थ निकलते हैं और वह भी व्याकरणिक दृष्टिकोण से, उसमें सामंजस्य होने चाहिए शब्दों में, वह कहलाता है वाक्य। तो रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर नहीं, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य, सरल वाक्य, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद। सबसे पहला है सरल वाक्य, जिसमें एक ही क्रिया होती है और कर्ता होते हैं, कर्ता जिसके द्वारा कार्य किया जाता है और क्या कार्य किया जाता है ये क्रिया से पता चलता है कि किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं और किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, ये बताने वाले वाक्य कहलाते हैं सरल वाक्य। अब देखिए, सरल वाक्य वाक्य हुआ, लेकिन वाक्य के 2 उपभेद भी होते हैं, जिसे कहा जाता है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य हालांकि होते हैं मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य में नहीं होते हैं, परंतु ये जान लीजिए कि वाक्य के 2 उपभेद भी होते हैं। एक कहलाते हैं प्रधान उपवाक्य और दूसरा कहलाता है आश्रित उपवाक्य। सरल वाक्य में न प्रधान उपवाक्य होते हैं न आश्रित उपवाक्य होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में यही सरल वाक्य जो आ जाते हैं तो ये सरल वाक्य वहाँ हो जाते हैं उपवाक्य, क्योंकि मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। संयुक्त वाक्य जहाँ 2 सरल वाक्य एक योजक से जुड़े हों वह कहलाता है संयुक्त वाक्य। जहाँ 2 सरल वाक्य एक योजक से जुड़े हों वह कहलाता है संयुक्त वाक्य। जैसे उदाहरण, इसमें 2 वाक्य आए, 2 सरल वाक्य हैं, परंतु दोनों सरल वाक्य एक योजक के माध्यम से योजक है। और अब देखिए, ये सरल वाक्य, ये भी सरल वाक्य, लेकिन दोनों जोड़ते हैं और के माध्यम से, और को कहा जाता है योजक, यानी दोनों को जोड़ने वाले वे शब्द जो 2 वाक्यों के मध्य आता हो और दोनों वाक्यों को जोड़ता हो, यह कहलाता है योजक।
ये सरल वाक्य और ये सरल वाक्य दोनों मिलके बन जाता है संयुक्त वाक्य। लेकिन शर्त है, संयुक्त वाक्य उसे कहा जाता है जहाँ दो सरल वाक्य एक योजक के माध्यम से जुड़ते हैं परंतु अलग करने पर उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, दोनों स्वतंत्र रूप से अलग किए जा सकते हैं और दोनों के अर्थ निकलते हैं। संयुक्त वाक्य उस वाक्य को कहा जाता है जहाँ दो सरल वाक्य एक योजक के माध्यम से जुड़ते हैं और दोनों को अलग करने पर दोनों स्वतंत्र अर्थ देते हैं, उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहा किसे जाता है? जहाँ दो सरल वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हों वह कहलाता है मिश्र वाक्य। जहाँ दो सरल वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हों वह कहलाता है मिश्र वाक्य। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होते हैं और दूसरा आश्रित उपवाक्य। इसमें मिश्र वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसे कहा जाता है मिश्र वाक्य। क्योंकि दोनों को जब हम अलग करते हैं तो एक अर्थ देता है और दूसरा अर्थ नहीं देता है, क्योंकि दूसरा एक दूसरे पर आश्रित होता है। जो वाक्य में दो उपवाक्य हों और एक दूसरे पर आश्रित हों उसे कहा जाता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। जैसे उदाहरण, अब उदाहरण में देखिए एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। अब देखिए प्रधान उपवाक्य में यानी इस वाक्य में प्रधानता किसकी है, किस उपवाक्य की है और एक दूसरे पर आश्रित कौन है या आश्रित उपवाक्य कौन है। मूल बात इसमें हुई शिक्षक ने कहा, मूल बात हुई शिक्षक का कहना, इसलिए इस उपवाक्य को कहा जाता है प्रधान। और इसे कहा जाता है आश्रित उपवाक्य, क्योंकि शिक्षक का कहना प्रधान उपवाक्य है। इस उपवाक्य पर ये उपवाक्य आश्रित है। क्या कहा ये बात की बात है, लेकिन मूल बात इसमें हुई शिक्षक का कहना, मूल बात इसमें हुई शिक्षक का कहना, इसलिए शिक्षक कहे वह हुआ प्रधान उपवाक्य और दूसरा उपवाक्य जो इसमें आया है यह प्रधान उपवाक्य के ऊपर आश्रित है। लेकिन जब दोनों को हम अलग करते हैं तो स्वतंत्र अर्थ नहीं देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में दो आश्रित उपवाक्य होते हैं परंतु दोनों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते हैं, इसलिए एक को प्रधान उपवाक्य और दूसरे को आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। दोनों को जोड़ करके ही हम अर्थ निकालते हैं, तभी उस वाक्य के पूर्ण अर्थ निकलते हैं, इसे कहा जाता है मिश्र वाक्य। अब देखिए प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य कितने भेद होते हैं।
संज्ञायाश्रित उपपद। संज्ञायाश्रित उपपद किसे कहा जाता है? सबसे पहले जान लीजिए सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में प्रधान उपवाक्य नहीं होते हैं, परंतु मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य होते हैं, और जहाँ प्रधान उपवाक्य होते हैं उसके साथ साथ उसमें आश्रित उपवाक्य भी होते हैं, चाहे संज्ञायाश्रित उपवाक्य हो या कोई दूसरा हो, लेकिन उपवाक्य उसमें होते ही हैं। जैसे संज्ञा है, पिताजी प्रधान उपवाक्य है, और इस संज्ञा के कथन को जिसमें व्यक्त किया जाता है, जिस उपवाक्य में, उस उपवाक्य को कहा जाता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य के कथन को, प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के कथन को जिस आश्रित उपवाक्य में व्यक्त किया जाता है उसे कहा जाता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। दूसरा है खम विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य किसे कहा जाता है? जब मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य आते हैं और प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताने वाले उपवाक्य विशेषण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। प्रधान उपवाक्य में एक की विशेषता बताने, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं विशेषण आश्रित उपवाक्य। उदाहरण के तौर पर जिस उपवाक्य में जो शब्द लगा रहे वह कहलाता है विशेषण उपवाक्य, क्योंकि इस जो शब्द से इस शिक्षक की विशेषता बताई जाती है। शिक्षक कई है लेकिन कहा जा रहा है कि यह वही शिक्षक हैं जो मुझे पढ़ाते हैं, उस शिक्षक की विशेषता के बारे में इस उपवाक्य में कहा जा रहा है। इसलिए जो शब्द जिस आश्रित उपवाक्य में आता हो वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है विशेषण आश्रित उपवाक्य, और इस पूरे वाक्य को कहा जाता है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। और एक अंत में है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण का अर्थ जान लीजिए वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता हो वह कहलाता है क्रिया विशेषण, वे शब्द
जो संज्ञ या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे कहा जाता है विशेषण, और वे शब्द जो विशेषण की विशेषता को बताता है उसे कहा जाता है प्रविशेषण। तो यहाँ क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अब देखिए इसकी पर उदाहरण देंगे, वे शब्द वे उपवाक्य जिसमें क्रिया हो रही है परंतु उस क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। वे उपवाक्य जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता हो उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जैसे उदाहरण, जैसे ही घर से निकला बिल्ली रास्ता काट गई। अब देखिए इसमें दो उपवाक्य, वाक्य तो पूरा हुआ मिश्र वाक्य, लेकिन दो उपवाक्य हैं। एक को कहा जाता है प्रधान उपवाक्य और दूसरे को कहा जाता है आश्रित उपवाक्य। जैसे ही घर से निकला, घर से निकले लेकिन विशेषता क्या हुई, बिल्ली रास्ता काट गई। काट गई कब, जैसे ही घर से निकले, जैसे ही घर से निकले बिल्ली रास्ता काट गई। क्रिया हुई रास्ता के कटने की, लेकिन कब, जैसे ही घर से निकले। घर से निकलना एक विशेषता हो गई और उस विशेषता के पहले घटना क्या हुई, बिल्ली रास्ता काट गई। तो इसमें इस पूरे वाक्य को कहा जाता है मिश्र वाक्य, और इसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। जब क्रिया की विशेषता जिस उपवाक्य से बताई जाती हो उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जहाँ दो उपवाक्य हों, दोनों योजक के माध्यम से जुड़े हों उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। जहाँ एक ही वाक्य हो उसे कहा जाता है सरल वाक्य। ये थे रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में तीन उपवाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आज मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को देना चाहता हूँ विराम, और दो पंक्ति आप सबों को कहना चाहता हूँ कि गुरु ज्ञान के दीपक होते हरे तिमिर ज्ञान, गुरु चरणन में बैठ के राम भय भगवान। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।